हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबने कल का होमवर्क कंप्लीट किया? यस, वेरी गुड। ऐसे ही आपको रेगुलर होमवर्क कंप्लीट करना है। नाउ स्टार्ट अवर क्लास। नाउ टुडे सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक क्लास वर्क इन पेज नंबर 28 and 29। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश वर्कबुक में पेज नंबर 28 and 29 पर। एंड आवर टुडे टॉपिक, पेज नंबर 28 का टॉपिक है कैपिटल लेटर यू। क्या लिखेंगे आज हम पेज नंबर 28 पे? कैपिटल लेटर यू, यू फॉर अम्ब्रेला। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 29 पे, कैपिटल लेटर वी, वी फॉर वैन। ओके, नाउ किड्स टेक दिस बुक अल्फाबेट डी, ओपन पेज नंबर 28, द लेटर यू। लेट अस कलर द कैपिटल लेटर यू। किड्स, ये भी कैपिटल लेटर यू लिखा हुआ है ना, आपको उसमें कलर फिल करना है। यू फॉर अंकल, यू फॉर अम्ब्रेला। प्लीज ट्रेस एंड राइट द कैपिटल लेटर यू। किड्स, यहाँ पे यू लेटर आपको ट्रेस करना है, देन यहाँ पे विदाउट डॉट खुद से करना है। ओके, लेट अस लुक एट द पिक्चर्स ब्लो एंड सर्कल द लेटर यू। किड्स, यहाँ पे पिक्चर दी गई है, देन उनके नाम दिए गए, हमें फर्स्ट लेटर यू है उस पर सर्कल करना है। यू, यू फॉर अप, यू फॉर अप। ये बॉय ऊपर चढ़ रहा है ना, अप, अप का मतलब ऊपर, तो हम यू पे सर्कल करेंगे। यू फॉर अंडर, बॉल टेबल के अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, यू फॉर अंडर, तो हम यू पे सर्कल करेंगे। यू, यू फॉर अम्पायर, यू फॉर अम्पायर, तो यू पे सर्कल। किड्स, ये हमारा क्लास वर्क था। एंड कम एट पेज नंबर 29, द लेटर वी। लेट अस कलर द कैपिटल लेटर वी। किड्स, ये जो वी लेटर बना हुआ है कैपिटल वी, आपको उसमें कलर फिल करना है। वी, वी फॉर वायोलिन, वी, वी फॉर वेजिटेबल्स। प्लीज ट्रेस एंड राइट द कैपिटल लेटर वी। किड्स, वी लेटर यहाँ पे आपको ट्रेस करके राइट करना है, देन यहाँ पे आपको खुद से विदाउट डॉट करना है। ओके, लेट अस लुक एट द पिक्चर्स ब्लो एंड सर्कल द लेटर वी। वी फॉर वैन, तो हमें वी पे सर्कल करना है। ओके, वी, वी फॉर वास, वी पे सर्कल। किड्स, आपको भी मेरे साथ कंप्लीट करना है क्लास वर्क। वी, वी फॉर वल्चर, देन सर्कल, वी पे सर्कल करना है। किड्स, ये हमारा आज का क्लास वर्क है पेज नंबर 28 एंड पेज नंबर 29 पे। ओके, लिखेंगे यू, यू फॉर अम्ब्रेला। ओके, सो ड्रेस विद मी। फर्स्ट वी मेक स्टैंडिंग लाइन, देन डाउन कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन यू। किड्स, आपको स्टैंडिंग लाइन रेड टू ब्लू लाइन पे ही बनानी है, देन कर्व ब्लू लाइन से स्टैंडिंग लाइन रेड लाइन टच। ओके, यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू, यू फॉर अम्ब्रेला। ओके, अब हम विदाउट डॉट करेंगे। ट्रेसिंग लाइन कंप्लीट कर ली हमने, अब हम विदाउट डॉट के करेंगे। सो राइट विद मी। फर्स्ट वी मेक स्टैंडिंग लाइन, देन स्मॉल अप कर्व, देन स्टैंडिंग लाइन यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू, यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। अगेन राइट विथ मी, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अंकल, यू फॉर अप। किड्स, हम बोलते हैं ना अप एंड डाउन, तो अप, अप, यू फॉर अप भी होता है, यू फॉर अम्ब्रेला भी होता है, यू फॉर अंकल भी होता है, एंड यू फॉर अप भी होता है, एंड नेक्स्ट यू फॉर अंपायर भी होता है यू। किड्स, ये हमारा क्लास वर्क है, आपको मेरे साथ साथ ही कंप्लीट करना है। ओके, यू, यू फॉर अम्ब्रेला,
U for uncle. U for umpire. Kids, U for कितने सारे words होते हैं? Yes, बहुत सारे words होते हैं. U for umbrella. U for uncle. U for a. U for umpire. U for under. Yes, U for umbrella. Kids, आप सबने मेरे साथ साथ write किया. Page number 28 पे U, capital U. आज हमने कौन सा letter write किया? U, capital U. U for umbrella. Okay, now kids, look at the board and write capital letter V. अब हम कौन सा letter write करेंगे? V, V for van. Kids, page number 29 पे आज का आपका classwork second capital V है. Okay, so trust with me. First we make slanting line, red to blue line. Then again slanting line, blue to red line. पहले हम red to blue line पे slanting line करेंगे. Then again slanting line, blue to red line touch करेंगे. Okay? V, V for van. V for violin. Kids, हमने tracing line complete कर ली. अब हमें full page without dot करना है खुद से. Okay? So write with me. First we make slanting line, red to blue line. Then blue to red line, slanting line. V, V for van. V for, tell me kids, V for क्या होता है? V for van. V for van भी होता है, V for vegetable भी होता है, and V for violin भी होता है. Slanting line, then again slanting line, V, V for vegetable. V, V for vase. V, V for violin. V, V for van. Kids, आपको write करते करते read भी करना है. V, V for van. V for violin. V, V for vegetable. V, V for vase. V for vulture. Kids, आपने read किया मेरे साथ साथ. V for कितने सारे words होते हैं? काफी words होते हैं. हमने जो अभी बोले ना वैसे ही आपको read करने हैं. V for van. V for vulture. V for vase. Then V for, tell me kids, V for violin. Yes, V for vegetable. Kids, आप सब ने read किया ना मेरे साथ साथ? Yes, very good. V, V for van. V, V for violin. Kids, आज हमने कौन सा लेटर राइट किया है? राइट लेटर कैपिटल यू. देन राइट कैपिटल लेटर वी. ओके, इट्स टुडेज होमवर्क इन इंग्लिश नोटबुक सेम एज क्लास वर्क. आज का आपका होमवर्क है इंग्लिश नोटबुक में सेम एज क्लास वर्क. ओके किड्स, बाय बाय.